नए साल के पहले दिन भारत में बहुत बड़ी दुखद हादसे की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ मचने से एक दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में नए साल के पहले दिन मां का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 80,000 भक्त वहां दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने रास्ते से लोग गुजर रहे थे। भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल गई, वहाँ अफवाह फैलाई गई, विवाद हुआ और भगदड़ मच गई। घटना की सही सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल लगभग एक दर्जन श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर आ चुकी है। मृतकों में देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग शामिल हैं। इस भगदड़ के चलते बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं, जिन्हें नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित सरकार है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरकारी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार की लापरवाही के चलते यह घटना हुई, क्योंकि मंदिर परिसर की ओर बहुत ज्यादा संख्या में लोग बढ़ने लगे। त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने रास्ते पर क्षमता से कई गुना अधिक भीड़ होने की वजह से अफवाह फैलाई गई। सुनियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों ने मां वैष्णो देवी यात्रा में खलल पैदा करने की कोशिश की है और भक्तों को निशाना बनाया है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की विफलता भी सामने आ रही है। इतनी महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं और भीड़ को नियंत्रित करने की योजना को कायदे से लागू नहीं किया गया। फिलहाल घटना के दृश्य आप देख रहे हैं, भारी भीड़ है और जब इतनी ज्यादा भीड़ किसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है और देश के दुश्मनों को भी अपने मंसूबों को पूरा करने में आसानी हो जाती है। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है।